जी CAA और NRC है क्या? हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है। आजकल जो ये CAA और NRC का जिस तरह से हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और आपने बहुत अच्छा, आज तुम्हारे मन में आया क्यों? टीवी चल रहा था ना, तो उसमें से मैंने बड़ा दिनों से सुन रही हूँ यही बात। अच्छा, और तुम भी कुछ इसके बारे में जानते हो? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आग जलती है। आग जलती है, लोग आग जलाते हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है ना? तो इसलिए तुम्हारे मन में ये बहुत महत्व की बात है। हम लोग इसी तरह से रात को बैठते हैं और किसी न किसी एक बातचीत, एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। कभी मैं कहानी सुनाता हूं। तो आज मेरी बेटी ने ये प्रश्न किया कि CAA और NRC, ये बड़ा समझ का विषय है कि उसने आज मुझे दिन में भी 2 बार प्रश्न किया। तो मैंने कहा बेटा चलो रात को ही बताएंगे जब सोएंगे। तो क्या है बेटा, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ वो दो विभाजन हुए एक तरह से, और वो धर्म के आधार पर हुए। इधर एक जिसको हम बोले तो पाकिस्तान बन गया और एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया। ये धर्म के आधार पर विभाजन थे। इसके अलावा भी सारी दुनिया में अगर कहीं कोई एक देश हिंदुओं का है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय, और कोई दूसरा देश हिंदुओं का नहीं है। तो पिछले 47 यानी 1947 के बाद से लेकर अब तक जब देश विभाजन हुआ था, तब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अन्य भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, उनके अंदर जो भारत के हिंदू थे और बाकी जैसे सिख हैं, भारत के ईसाई हैं, भारत के या इन प्रकार के जो लोग भारत के थे, उनको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित मतलब प्रताड़ित मतलब तंग किया गया, उनको मारा गया। उनके किसको? साथ जो जो वो लोग थे ना, जो विभाजन के समय, भारत। जो भारत के लोग जो विभाजन के समय बाहर चले गए थे ना, जो वहां पाकिस्तान में या उसमें जो पहले से रहते थे, भारत विभाजन होने से पहले जो लोग उधर रहते थे, विभाजन हो गया तो मुस्लिम इधर से कुछ चले गए, कुछ हिंदू आए, लेकिन फिर भी कुछ हिंदू, सिख और ये सब लोग वहां रह गए जो वहीं पर थे, और एक बड़ी संख्या उनकी थी। लेकिन धर्म के आधार पर था, इसीलिए वो वहां से जब भारत में आए, और हो आए भी क्यों, क्योंकि वो प्रताड़ित थे। प्रताड़ित का मतलब उनको बहुत तंग किया जा रहा था, उनको बहुत यातनाएं दी जा रही थी। किनको? जो लोग भारत हिंदू लोग थे, हिंदू सिख और ईसाई इस प्रकार के जो लोग जो थे, उनको दी जा रही थी। तो अब वो उस देश में तो रह नहीं सकते, भारत में आने पर उनको कोई, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे में वो कहीं 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 दूर बड़े दयनीय अवस्था में ऐसे रहते थे, और उनको रहते भी क्या थे, भारत आ नहीं सकते थे। आते तो यहां की नागरिकता नहीं मिलती, नागरिकता नहीं मिलती तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई ऐसा था। और ऐसी संख्या 1,000 2,000 10,000 या लाख नहीं है, लाखों की तादाद में ऐसी संख्या है। ऐसी संख्या लाखों की तादाद में है जो सीमा पर या कहीं भी इस प्रकार की स्थितियों में है, और वो बड़े दुखी हैं। कौन? वही जो लोग भारत के, जो हमारे भारतीय लोग, हिंदू लोग, जो हिंदू सिख पाकिस्तान में ईसाई गए थे? जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनकी बात कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी अनेक बार यह बात होती थी कि ये जो लोग जो भारत आना चाहते हैं, वहां वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और वो क्योंकि गैर इस्लामिक हैं इसीलिए उनको मारना काटना, उनके घर पर जो जो हो सकता है वो सब किया जाता है। इसीलिए जब आबादी विभाजन के समय, जिनकी आबादी जो 20% पाकिस्तान में गए थे थी, वो हाँ बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी, जिनकी आबादी 20% थी, वो आज 2% भी नहीं रही। या तो वो कन्वर्ट हो गए, या वो मार दिए गए, या मतलब कहां गए समझ में नहीं आ रहा। कन्वर्ट कन्वर्ट का मतलब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन हो गया, वो हिंदू से मुस्लिम बन गए, ऐसा क्रम रहा। तो अनेक लोग भारत में भी, अभी जैसे दिल्ली में ही
कितने लोग हैं जो आकर के बस अड्डे के पास रहते हैं, उनके पास न कोई रहने का है, न कोई उनके पास राशन कार्ड है, न उनके पास कोई खाने की, मतलब रहमो करम पर हैं वो लोग, इतने दुखी हैं। और सारे देश में ऐसी जगह छोटे 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 क्लस्टर्स में वो लोग हैं, हैं भारत के, इस भारत माता को अपनी माता मानते हैं, लेकिन भारत में उनको कोई लीगल राइट्स नहीं है, और लीगल राइट्स न होने के कारण से वो न इधर के न उधर के, ये उनके सामने संकट था। तब अनेक बार प्रयत्न हुआ, कांग्रेस संघ के समय पर भी कोई चर्चा तो हुई थी, लेकिन कभी भी सीरियसली इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ। जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो आए, तब से हमारे अपने देश के अंदर जो एक जज्बा हमारे देश के प्रति होना चाहिए, हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने लटकाने का काम छोड़कर, उस प्रॉब्लम को लटकाना नहीं है, तुरंत सॉल्यूशन देना है। और जब से गृहमंत्री अमित शाह बने तो उसके बाद पूरी सरकार ने मिलकर इन विषयों को फास्ट ट्रैक पर लेना चाहिए और उनका निपटारण करना चाहिए। और इसीलिए बाहर से आने वाले वो लोग जो शरणार्थी हैं, भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं, वो भी कौन, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये मुस्लिम नहीं। मुस्लिम क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में ही धर्म के आधार पर था, मुस्लिम अधिक संख्या होने के कारण से तो पाकिस्तान बना, मुस्लिम अधिक संख्या होने के कारण से तो बांग्लादेश बना। अब उनको शरणार्थी वो तो हो ही नहीं सकते, उनके कारण ही तो ये लोग प्रताड़ित हैं जो यहां पर भारत में आ रहे हैं। तब भारत सरकार ने इस प्रकार का यह कानून, मुस्लिम भी हिंदू बन सकते बेटा, अगर वो चाहते तो हिंदू भी बन सकते हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, जितने भी भारत में मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज तो कौन थे, हिंदू ही हैं। तीन पीढ़ी, किसी की पांच पीढ़ी, इन सभी मुसलमानों को अगर उनको पूछें तुम्हारे परदादा कौन थे, सभी हिंदू हैं। पर जब वो कन्वर्ट हो गए, किसी प्रेशर में हो गए, प्रलोभन में हो गए, किसी डर से हो गए, किसी भय से हो गए, जैसे कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार सारा तो हिंदू परिवार है, वो तीन पीढ़ी पीछे शेख अब्दुल्ला के जो पिता थे राधारमन कौल शायद नाम उनका था, गलत ना हो जाए तो, वो डाउनटाउन में उनकी दुकान थी श्रीनगर के अंदर, वो खुद होकर फारूक अब्दुल्ला इस बात को कहते हैं मेरे दादा तो हिंदू थे। तो सभी मुसलमानों के हिंदू पूर्वज हिंदू ही थे। अभी झगड़ा क्या है, विषय ये आता है, अगर शरणार्थी भारत के हैं और हिंदू है और लोग हैं भारत में रहने चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा लगता है कि अभी इससे बढ़िया कोई मौका ही नहीं है। क्यों, सब तरफ एक अलग प्रकार का माहौल छाने लगा। कैसा छाने लगा, रिलीजन से उठकर लोग सोचने लगे, जाति से उठकर लोग सोचने लगे, देश की बात सोचने लगे। जब रिलीजन और जाति और व्यक्ति से सोचकर बड़ी सोच जब आने लगी, हम और हम भारतीय, जब आत्मविश्वास जागृत होने लगा, तब फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनकी रोटी सेकने में संकट आ गया। मतलब रोटी सेकने का मतलब है उन्हें लगा यार हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कैसे कुछ पंगा लिया जाए। तो ना समझी में, जैसे आपने प्रश्न किया, उन्होंने गलत फहमी भर दी, खासकर मुस्लिम समाज के अंदर कुछ, और सबनी कुछ लोगों के बीच में, वो भी पैसे से खरीदे हुए लोग, उनकी बात करूंगा। उनके मन में गलत फहमी भर दी कि एनआरसी और सीएए, एनआरसी क्या है, हमारे हर एक दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर उसका कौन नागरिक है और कौन नहीं है उसका एक रजिस्टर्ड होता है। भारत के अंदर लाखों यानी 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में घुस के आ गए और वो भारत में आतंकवादी और सारी घटनाओं का कारण बन रहे हैं। कितने बांग्लादेशी, दिल्ली तो सारा भरा पड़ा है बांग्लादेशियों से, जितनी काम करने वाली हैं उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं, जितनी भी लूटपाट होती है दिल्ली में सब अधिकांश बांग्लादेशी करते हैं। अभी जो ये मारधाड़ हो रही है इसमें बांग्लादेशी ट्रेंड लोग हैं और वही बांग्लादेशी लोग आईएसआई के लिए काम करते हैं, वही बांग्लादेशी हाँ आतंकवादियों के साथ काम करते हैं वो बांग्लादेशी लोग, मतलब क्या नहीं करते, जितने भी गलत काम है सारे बांग्लादेशी करते हैं, चीन चैन छेनना, झपट्टा करना, बस सब ये गलत बांग्लादेशी करते हैं।
दिल्ली में। अब दुनिया का ऐसा कोई एक देश नहीं है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अवैध रूप से 6 महीने भी रह जाए। अमेरिका में अगर एक बार अंदर गया तो उसको कहां पर चला जाएगा पता नहीं चलेगा, उसको उठा के अंदर कर देंगे। चीन में नहीं होता, जापान में नहीं रह सकता, मतलब दुनिया के किसी भी देश के अंदर किसी भी दूसरे देश का अवैध नागरिक नहीं रह सकता। रहेगा तो नागरिक बनेगा। भारत ही केवल एक ऐसा है जहां लाखों करोड़ों लोगों की करोड़ों की संख्या में यहां लोग आ गए और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और जो इस देश का संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इसी देश में समस्या पैदा कर रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशंस बढ़ा रहे हैं कि कई हमारे देश के, हमारी जो इंटेलिजेंस है ना उसकी रिपोर्ट्स बता रहा हूं, कई ऐसे हमारे लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हो गए जिनमें वो बांग्लादेशी मत के आधार पर सीट को प्रभावित करते हैं। मतलब मंत्री बन सकते हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, है बांग्लादेशी। तो यह जो लोग हैं जो भारत के विदेशी हैं, जो भारत में रह रहे हैं, इनके जब गणना होगी कि कौन लोग भारत के हैं तो उसमें एक निश्चित समय रखा है भारत सरकार ने, जब घुसपैठ नहीं हुई थी उससे पहले तक का एक निश्चित समय रखा है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, जो भारत का है, जिसके दादे परदादे भारत में थे, चाहे उसके पास कुछ है नहीं है, वो एक रजिस्टर में आएगा और उसको देश में ही रहना है। मतलब बाहर बाहर से देश से निकाल के बाहर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं और अभी कुछ समय पहले उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, ऐसे लोगों को लिस्ट में आना पड़ेगा और उनको बाहर जाना पड़ेगा। यह देश की सुरक्षा के लिए बेटा बहुत आवश्यक है, देश की संप्रभुता के लिए, हम सबके लिए बहुत आवश्यक। उनका तो देश ही नहीं है, इसको तो लूटने के लिए आए, जैसे गजनी गौरी और बाकी लोग आए, उन्होंने वही तो किया लूटने के लिए। उन्होंने आकर यहां के मुसलमानों को भी तंग करना शुरू किया। गलत वो करते हैं, उंगली इन मुसलमानों के ऊपर उठती है, भारत के मुसलमानों पर गलत वो करते हैं। राजनीतिक नेता इनको क्या करते हैं, केवल राजनीतिक नेता अपने वोट के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जैसा तुमने प्रश्न किया है ऐसा ही हर घर में ये प्रश्न आना चाहिए। और खासकर मैं, आप जो मेरे देखने वाले मित्र हैं या बाकी लोग ये जानते हैं, हम लोग अभी विश्राम के समय पर है और बच्चे ने जैसे प्रश्न किया, टेलीविजन में चलने वाली ऐसी करंट सब्जेक्ट पर घर में डिस्कशन बहुत आवश्यक है। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये मुझे पूछ रहा था, पापा जी ये लोग आगजनी क्यों कर रहे हैं? और तब मैंने इनको कहा कि मैं तुमको बताता हूं, उत्तर दूंगा। और उत्तर उसने कहा, पापा जी हमको CAA और NRC के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने इन दोनों चीजों को, इनके बारे में इनको बताया, और साथ ही एक चीज और बताइए कि जिन लोगों को, हाँ बेटा, हाँ पक्का डन जो लोग आगजनी और ये जो करते हैं उन्हें चीज ध्यान रखना चाहिए, ये देश हमारा है, इसकी कोई भी चीज हम नुकसान करते हैं तो वो हम पर इनडायरेक्टली पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सबके टैक्स के माध्यम से ही वो चीज बनी और हमने वो जला दी, हमने उसको तोड़ दिया, हमने उसको नुकसान किया। अल्टीमेटली उस वो आएगा तो फिर हमसे ही। तो ऐसे लोग जो तोड़फोड़ करते हैं बेटा, हाँ ऐसे लोग जो तोड़फोड़ करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि नुकसान न करे देश का और बाकी सबको। जैसे मैं और देख, पापा जी जी CAA और NRC है क्या? हाँ बेटा ये बहुत जरूरी है। आजकल जो ये CAA और NRC का जिस तरह से हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और आपने बहुत अच्छा, आज तुम्हारे मन में आया क्यों? टीवी चल रहा था ना तो उसमें से मैंने बड़ा दिनों से सुन रही हूँ ये बात। अच्छा, और तुम भी कुछ इसके बारे में जानते हो? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आग जल रही है।
आग जलती है, लोग आग जलाते हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए तुम्हारे मन में ये बहुत महत्व की बात है। हम लोग इसी तरह से रात को बैठते हैं और किसी न किसी एक बातचीत, एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। कभी मैं कहानी सुनाता हूं। तो आज मेरी बेटी ने ये प्रश्न किया कि CAA और NRC, ये बड़ा समझ का विषय है कि उसने आज मुझे दिन में भी दो बार प्रश्न किया। तो मैंने कहा बेटा चलो रात को ही बताएंगे जब सोएंगे। तो क्या है बेटा, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ वो दो विभाजन हुए एक तरह से, और वो धर्म के आधार पर हुए। इधर एक जिसको हम बोले तो पाकिस्तान बन गया और एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया। ये धर्म के आधार पर विभाजन थे। इसके अलावा भी सारी दुनिया में अगर कहीं कोई एक देश हिंदुओं का है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय, और कोई दूसरा देश हिंदुओं का नहीं है। तो पिछले 1947 के बाद से लेकर अब तक जब देश विभाजन हुआ था, तब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अन्य भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, उनके अंदर जो भारत के हिंदू थे और बाकी जैसे सिख हैं, भारत के ईसाई हैं, भारत के या इन प्रकार के जो लोग भारत के थे, उनको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित मतलब तंग किया गया, उनको मारा गया, उनके साथ जो जो वो लोग थे ना, जो विभाजन के समय, जो भारत के लोग जो विभाजन के समय बाहर चले थे ना, जो वहां पाकिस्तान में या उसमें जो पहले से रहते थे, भारत विभाजन होने से पहले जो लोग उधर रहते थे, विभाजन हो गया तो मुस्लिम इधर से कुछ चले गए, कुछ हिंदू आए, लेकिन फिर भी कुछ हिंदू सिख और ये सब लोग वहां रह गए जो वहीं पर थे, और एक बड़ी संख्या उनकी थी। लेकिन धर्म के आधार पर था, इसीलिए वो वहां से जब भारत में आए, और हो आए भी क्यों, क्योंकि वो प्रताड़ित थे। प्रताड़ित का मतलब उनको बहुत तंग किया जा रहा था, उनको बहुत यातनाएं दी जा रही थी। किनको? जो लोग भारत हिंदू लोग थे, हिंदू सिख और ईसाई इस प्रकार के जो लोग जो थे, उनको दी जा रही थी। तो अब वो उस देश में तो रह नहीं सकते, भारत में आने पर उनको कोई, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे में वो कहीं 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 दूर बड़े दयनीय अवस्था में ऐसे रहते थे, और उनको रहते भी क्या थे, भारत आ नहीं सकते थे। आते तो यहां की नागरिकता नहीं मिलती, नागरिकता नहीं मिलती तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई ऐसा था। और ऐसी संख्या हजार, दो हजार, दस हजार या लाख नहीं है, लाखों की तादाद में ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या लाखों की तादाद में है जो सीमा पर या कहीं भी इस प्रकार की स्थितियों में है, और वो बड़े दुखी हैं। कौन? वही जो लोग भारत के, जो हमारे भारतीय लोग, हिंदू लोग, हिंदू सिख ईसाई जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी अनेक बार यह बात होती थी कि ये जो लोग जो भारत आना चाहते हैं, वहां वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और वो क्योंकि गैर इस्लामिक हैं इसलिए उनको मारना, काटना, उनके घर पर जो जो हो सकता है वो सब किया जाता है। इसीलिए जब आबादी विभाजन के समय जिनकी आबादी 20% थी, हाँ, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी जिनकी आबादी 20% थी, वो आज 2% भी नहीं रही। या तो वो कन्वर्ट हो गए, या वो मार दिए गए, या मतलब कहां गए समझ में नहीं। कन्वर्ट का मतलब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन हो गया, वो हिंदू से मुस्लिम बन गए, ऐसा क्रम रहा। तो अनेक लोग भारत में भी, अभी जैसे दिल्ली में ही कितने लोग हैं जो आकर के बस अड्डे के पास रहते हैं, उनके पास न कोई रहने का है, न कोई उनके पास राशन कार्ड है, न उनके पास कोई खाने की, मतलब रहमो करम पर हैं वो लोग, इतने दुखी हैं। और सारे देश में ऐसी जगह छोटे 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 क्लस्टर्स में वो लोग हैं, हैं भारत के, इस भारत माता को अपनी माता मानते हैं, लेकिन भारत में उनको कोई
लीगल राइट्स नहीं है, और लीगल राइट्स न होने के कारण से वो न इधर के न उधर के, ये उनके सामने संकट था। तब अनेक बार प्रयत्न हुआ, कांग्रेस संघ के समय पर भी कोई चर्चा तो हुई थी, लेकिन कभी भी सीरियसली इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ। जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो आए, तब से हमारे अपने देश के अंदर जो एक जज्बा हमारे देश के प्रति होना चाहिए, हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने लटकाने का काम छोड़कर, उस प्रॉब्लम को लटकाना नहीं है, तुरंत सॉल्यूशन देना है। और जब से गृहमंत्री अमित शाह बने तो उसके बाद पूरी सरकार ने मिलकर इन विषयों को फास्ट ट्रैक पर लेना चाहिए और उनका निपटारण करना चाहिए। और इसीलिए बाहर से आने वाले वो लोग जो शरणार्थी हैं, भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं, वो भी कौन, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये मुस्लिम नहीं। मुस्लिम क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में ही धर्म के आधार पर था। मुस्लिम अधिक संख्या होने के कारण से तो पाकिस्तान बना, मुस्लिम अधिक संख्या होने के कारण से तो बांग्लादेश बना। अब उनको शरणार्थी वो तो हो ही नहीं सकते, उनके कारण ही तो ये लोग प्रताड़ित हैं जो यहां पर भारत में आ रहे हैं। तब भारत सरकार ने इस प्रकार का यह कानून, मुस्लिम भी हिंदू बन सकते बेटा, अगर वो चाहते तो हिंदू भी बन सकते हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, जितने भी भारत में मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज तो कौन थे, हिंदू ही हैं। तीन पीढ़ी, किसी की पांच पीढ़ी, इन सभी मुसलमानों को अगर उनको पूछें तुम्हारे परदादा कौन थे, सभी हिंदू हैं। पर जब वो कन्वर्ट हो गए, किसी प्रेशर में हो गए, प्रलोभन में हो गए, किसी डर से हो गए, किसी भय से हो गए, जैसे कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार सारा तो हिंदू परिवार है, वो तीन पीढ़ी पीछे शेख अब्दुल्ला के जो पिता थे राधारमन कॉल शायद नाम उनका था, गलत ना हो जाए तो, वो डाउनटाउन में उनकी दुकान थी श्रीनगर के अंदर, वो खुद होकर फारूक अब्दुल्ला इस बात को कहते हैं मेरे दादा तो हिंदू थे। तो सभी मुसलमानों के हिंदू पूर्वज हिंदू ही थे। अभी झगड़ा क्या है, विषय ये आता है, अगर शरणार्थी भारत के हैं और हिंदू है और लोग भारत में रहने चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा लगता है कि अभी इससे बढ़िया कोई मौका ही नहीं है। क्यों, सब तरफ एक अलग प्रकार का माहौल छाने लगा। कैसा छाने लगा, रिलीजन से उठकर लोग सोचने लगे, जाति से उठकर लोग सोचने लगे, देश की बात सोचने लगे। जब रिलीजन और जाति और व्यक्ति से सोचकर बड़ी सोच जब आने लगी, हम और हम भारतीय, जब आत्मविश्वास जागृत होने लगा, तब फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनकी रोटी सेकने में संकट आ गया। मतलब रोटी सेकने का मतलब है उन्हें लगा यार हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कैसे कुछ पंगा लिया जाए। तो ना समझी में, जैसे आपने प्रश्न किया, उन्होंने गलत फहमी भर दी, खासकर मुस्लिम समाज के अंदर कुछ, और सब नहीं, कुछ लोगों के बीच में, वो भी पैसे से खरीदे हुए लोग, उनकी बात करूंगा, उनके मन में गलत फहमी भर दी कि एनआरसी और सीएए, एनआरसी क्या है, हमारे हर एक दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर उसका कौन नागरिक है और कौन नहीं है उसका एक रजिस्टर्ड होता है। भारत के अंदर लाखों यानी 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में घुस के आ गए और वो भारत में आतंकवादी और सारी घटनाओं का कारण बन रहे। कितने बांग्लादेशी, दिल्ली तो सारा भरा पड़ा है बांग्लादेशियों से, जितनी काम करने वाली हैं उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं, जितनी भी लूटपाट होती है दिल्ली में सब अधिकांश बांग्लादेशी करते हैं। अभी जो ये मारधाड़ हो रही है इसमें बांग्लादेशी ट्रेंड लोग हैं और वही बांग्लादेशी लोग ISI के लिए काम करते हैं, वही बांग्लादेशी, हाँ, आतंकवादियों के साथ काम करते हैं वो बांग्लादेशी लोग, मतलब क्या नहीं करते, जितने भी गलत काम है सारे बांग्लादेशी करते हैं, चैन छेनना, झपट्टा करना, बस सब ये गलत बांग्लादेशी करते हैं दिल्ली में। अब दुनिया का ऐसा कोई एक देश नहीं है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अवैध रूप से 6 महीने भी रह जाए। अमेरिका में अगर एक बार अंदर गया तो उसको कहां पर चला जाएगा पता नहीं चलेगा, उसको उठा के अंदर कर देंगे। चीन में नहीं होता, जापान में नहीं रह सकता, मतलब दुनिया के किसी भी देश के अंदर
किसी भी दूसरे देश का अवैध नागरिक नहीं रह सकता, रहेगा तो नागरिक बनेगा। भारत ही केवल एक ऐसा है जहां लाखों करोड़ों लोगों की करोड़ों की संख्या में यहां लोग आ गए और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और जो इस देश का संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इसी देश में समस्या पैदा कर रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं कि कई हमारे देश के, हमारी जो इंटेलिजेंस है ना उसकी रिपोर्ट्स बता रहा हूं, कई ऐसे हमारे लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हो गए जिनमें वो बांग्लादेशी मत के आधार पर सीट को प्रभावित करते हैं। मतलब मंत्री बन सकते हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, है बांग्लादेशी। तो यह जो लोग हैं जो भारत के विदेशी हैं, जो भारत में रह रहे हैं, इनके जब गणना होगी कि कौन लोग भारत के हैं, तो उसमें एक निश्चित समय रखा है भारत सरकार ने, जब घुसपैठ नहीं हुई थी उससे पहले तक का एक निश्चित समय रखा है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, जो भारत का है, जिसके दादे परदादे भारत में थे, चाहे उसके पास कुछ है नहीं है, वो एक रजिस्टर में आएगा और उसको देश में ही रहना है। मतलब बाहर बाहर से देश से निकाल के बाहर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं और अभी कुछ समय पहले उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, ऐसे लोगों को लिस्ट में आना पड़ेगा और उनको बाहर जाना पड़ेगा। यह देश की सुरक्षा के लिए बेटा बहुत आवश्यक है, देश की संप्रभुता के लिए, हम सबके लिए बहुत आवश्यक। उनका तो देश ही नहीं है, इसको तो लूटने के लिए आए, जैसे गजनी गौरी और बाकी लोग आए, उन्होंने वही तो किया लूटने के लिए। उन्होंने आकर यहां के मुसलमानों को भी तंग करना शुरू किया। गलत वो करते हैं, उंगली इन मुसलमानों के ऊपर उठती है, भारत के मुसलमानों पर गलत वो करते हैं। राजनीतिक नेता इनको क्या करते हैं, केवल राजनीतिक नेता अपने वोट के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जैसा तुमने प्रश्न किया है ऐसा ही हर घर में ये प्रश्न आना चाहिए। और खासकर मैं, आप जो मेरे देखने वाले मित्र हैं, बाकी लोग ये जानते हैं, हम लोग अभी विश्राम के समय पर है और बच्चे ने जैसे प्रश्न किया, टेलीविजन में चलने वाली ऐसी करंट सब्जेक्ट पर घर में डिस्कशन बहुत आवश्यक है। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे पूछ रहा था, पापा जी ये लोग आगजनी क्यों कर रहे हैं? और तब मैंने इनको कहा कि मैं तुमको बताता हूं, उत्तर दूंगा। और उत्तर उसने कहा, पापा जी हमको CAA और NRC के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने इन दोनों चीजों को, इनके बारे में इनको बताया, और साथ ही एक चीज और बताइए कि जिन लोगों को, हाँ बेटा, हाँ पक्का डन जो लोग आगजनी और ये जो करते हैं, उन्हें चीज ध्यान रखना चाहिए, ये देश हमारा है, इसकी कोई भी चीज हम नुकसान करते हैं तो वो हम पर इनडायरेक्टली पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सबके टैक्स के माध्यम से ही वो चीज बनी और हमने वो जला दी, हमने उसको तोड़ दिया, हमने उसको नुकसान किया। अल्टीमेटली उस वो आएगा तो फिर हमसे ही। तो ऐसे लोग जो तोड़फोड़ करते हैं बेटा, हाँ ऐसे लोग जो तोड़फोड़ करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि नुकसान न करें। तो अपने बच्चों को इसी तरह से रात में आप भी कहानियां सुनाएं, करंट टॉपिक्स पर बच्चों के साथ चर्चा करें, और बिल्कुल भी नहीं सोचें कि हमारे बच्चे तो छोटे हैं, ये हमारे छोटू यानी कानंत, जिसको मानंत बोलते हैं, और वह अदिति, और इसकी, अच्छा आपको काना बोलते, ठीक है, आप काना और इसकी माँ, तो ये सभी लोग, बाकी भी हमारे घर में माता जी और सब लोग होते हैं, हम लोग रात को बैठकर ऐसे ही चर्चा करते हैं। तो आपको भी मेरा ये सुझाव है, आप भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ, छोटे या बड़े की चिंता मत करिए, निसंकोच होकर उनके साथ चर्चा करिए, जिससे उन बच्चों की करंट में चलने वाले सभी टॉपिक के ऊपर एक नॉलेज बढ़ती है, बच्चों से अन्य अपने साथियों से डिस्कस करने में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे बच्चों को कोई भी बरगला नहीं सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी जाकर बोले
एनआरसी का मतलब है देश के मुसलमानों को बाहर निकालना, अगर बच्चे को पहले से ही पता है तो मजाले जो कोई उसको गड़बड़ कर दे तो विद्यार्थी गड़बड़ नहीं होंगे, फिर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा, उसको इतनी अच्छी नॉलेज होगी। लेकिन हाँ, जो जानकारी दो वो सच देना, आप उसके अंदर कोई भी झूठ मत मिर्च मसाला लगाने की कोशिश मत करना, झूठा मतलब झूठा मसाला लगाने की कोशिश मत करना, तब आप अपने बच्चों को एक देश का अच्छा नागरिक एक नागरिक बना सकते हैं और उनमें एक समझ पैदा कर सकते हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी तैयार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोग स्प्रेड करें, जानकारी दें और अपनी कमेंट्स भी मुझे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।